हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो जैसे रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स और रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, तो देखिए फ़ोन की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, साथ में नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी और इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो चलिए इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल के लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड रहेगा उसे डालकर ओके कर देना है। तो इतना हम कर लेते हैं। फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जो भी फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी और फिर आपका फ़ोन कभी भी वाइब्रेट नहीं होगा। और इस तरह से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।